हाय गाइस, मैं हूँ दीबा सिद्दीकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम सब निकल गए हैं दुबई कार्निवल 2.0, जो कि परेड ग्राउंड में लगा हुआ है। इस बार हम सब लाइबा लारेब के साथ जा रहे हैं। पिछली बार हम लोग सब लोग अकेले बाकी सब लोग गए थे और लाइबा लारेब लखनऊ में थे, तो वो नहीं जा पाए थे। लेकिन इस बार वो आ गए हैं छुट्टियों में, तो हम सब निकल गए हैं दुबई कार्निवल के लिए। और सुना है कि इस बार दुबई कार्निवल बहुत बड़ा लगा हुआ है, डिज्नी थीम में लगा हुआ है, तो देखते हैं कैसा लगा हुआ है। तो चलिए फिर हम लोग पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर हम भी देखते हैं कि क्या है इस बार नया, और आपको भी दिखाते हैं कि क्या है। तो हम सब पहुंच चुके हैं और अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो भीड़ तो कम दिख रही है, इससे पहले तो जो गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन यहाँ पे भीड़ कम है। ये आगे लाइबा, आयशा और आंटी और लारेब जा रहे हैं, मैं पीछे शूट कर रही हूँ। तो चलिए फिर टिकट लेते हैं और उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। टिकट ले लिया है और अब हम सब अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग करने की आपको जगह मिल रही है, क्योंकि परेड ग्राउंड बहुत बड़ा है, और ये चीज़ अच्छी थी। और भीड़ भी कम थी। उस बार रमज़ान पड़ चुका था, जिसमें इसकी टाइमिंग 7 से बात थी, तो रमज़ान की वजह से लोग कम जा पा रहे थे, तो इसलिए भीड़ ज़्यादा थी लास्ट के टाइम पे, एंडिंग पे। और इसमें कम भीड़ है तो, और बड़ा भी है काफ़ी परेड ग्राउंड, तो वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा था बाहर से ही, क्योंकि लाइटिंग वगैरह है। और जो पहले दुबई कार्निवल लगा था उसमें इतनी लाइटिंग वगैरह नहीं थी। ये देखिए, आप देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग वगैरह है। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं। Yeah.
देखा आपने बुर्ज खलीफा, उसके बाद फिर अंदर आने पे यहाँ पे सारे स्टॉल्स लगी हुई थी, सारे हर सामान की सारे स्टॉल्स लगी थी, सब सभी चीज़ें अवेलेबल थी। और फिर मैं यहाँ पे लाइबा लारेब और आंटी को ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं वहाँ पे शूट कर रही थी और ये लोग अंदर आ चुके थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ पे हैं। तो फिर फाइनली वो लोग मेकअप के स्टॉल्स पे खड़े हुए थे और लिपस्टिक ले रहे थे, ये देखिए यहाँ पे ये लोग हैं। लोग आ गए थे, देखो आप देखो, 50 रुपए तेल है, 50 रुपए तेल है, 50 रुपए तेल है, हर माल 50 रुपए, हर माल 50 रुपए, हर माल 50 रुपए। हमको पिंक कलर लेनी थी, पिंक देख लो, इतना पिंकी तो है सब, ये डार्क है शायद, थोड़ा लाइट नहीं होगा। मतलब स्कूल के लिए बताओ, अच्छी लग रही है, दूसरी ले लें, कोई और देखो, और अच्छी नहीं है, बहुत ढूंढ के निकाले थे, ये तो नहीं, यही ले लें, ये वाली बताओ, ये वाली लिपस्टिक अच्छी लग रही है, ये वाली लिपस्टिक अच्छी लग रही है, ले ले, ये एकदम रेड है, डार्क हाँ, नहीं यार हम पैसे ले, शादी के हम पैसे के लिए ले रही हैं, तो ले शादी के लिए ले, हाँ ले लीजिए, 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए, ये भी एक ले लीजिए, कितना हुआ, 4, 4 आ लाइबा, सही मिला तो लाइबा, ये आइए जहाँ वो लाइबा, यहाँ आओ जहाँ वो क्रंची वगैरह मिल रही है, आंटी यहाँ आइए, आंटी कहाँ जा रही हैं, आंटी आइए, ये और ये क्रंची, क्रंची सब ये तो ले लो, जो ले ले रहे हैं बाद में ले ले रहे हैं, उधर से एक भी था ना, उधर से एक भी था, क्या हुआ वापस लौटेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने का है। और आप देख ही रहे हैं कि हम सब के शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो पहले मेकअप, फिर क्रंची, और अब हम सब आ चुके हैं सूट्स और टॉप के सेक्शन में और शॉपिंग करते हैं बस। लाइबा यार टॉप नहीं है क्या, लॉन्ग टॉप, भैया लॉन्ग टॉप नहीं होगा, हाँ हाँ नीट, हाँ हाँ कहाँ पे, इससे लाइबा का वो ला रहे, तुम भी ले लो कुछ लेना हो तो, अरे ब्लैक कलर आता है पहनना भी नहीं है, लॉन्ग शर्ट टॉप चाहिए, लॉन्ग टॉप टॉप आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा था, तो एक वाइट वाला था, पहना पहना लग रहा है, गंदा सा लग रहा है, हाय फिर हम सब वहाँ से शॉपिंग करने के बाद आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हमने सोचा पहले झूला झूल लेते हैं और उसके बाद शॉपिंग करते हैं, लेकिन फिर सारी चीज़ें देखते हुए ही चल रहे थे क्योंकि बाद में आना नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे सूट्स मिल रहे थे और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में थे और बहुत अच्छे अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि ख़राब थे। तो ये देखिए, फिर हमने यहाँ से एक सूट ले लिया था, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, वाइट, और इसका प्लाजो ब्लैक था और बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब जितने भी यहाँ पे सूट लगे हुए थे सारे ही बहुत प्यारे लग रहे थे। ब्लू इस टाइप का थोड़ा सा लॉन्ग रहे,
नहीं है, देखो तो है ढूंढो तो मिलेगा, एक मिला था हमको, ये तो शॉर्ट है, थोड़ा लॉन्ग है जैसे रेड कलर का था। आपने मेरा पुराना दुबई कार्निवल का व्लॉग देखा होगा तो उसमें दिल्ली की मीना बाज़ार नहीं थी और प्रयागराज सेल भी नहीं था। इस वाले में दिल्ली की मीना बाज़ार और प्रयागराज सेल और बहुत सारी स्टॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे। तो फिर हम एंट्री कर रहे थे दिल्ली की मीना बाज़ार में, देखते हैं यहाँ से क्या लेते हैं। आओ उधर बैट बॉल लेना है। उधर वो लोग रिंग ले रही थी तो मैंने सोचा मैं जुहेब के लिए टॉयज़ ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे आ गई थी जुहेब के लिए टॉयज़ लेने के लिए। और भी सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे मिल रहे थे। भैया ये वाला दे दीजिए। भैया ये सारे कैसे हैं? ये देखो वो पतला वाला था, ये वाला देखो वो क्या करेगा, हॉकी वाला यही दीजिए भैया, वो मत दीजिए, ये वाला दीजिए। हाँ ये वाला अच्छा है, वो वाला तो बहुत जल्दी टूट जाता। नहीं तो आंटी कहाँ गई? आंटी कहाँ है? ये दे दीजिए, दे दे। अच्छा लग रहा है कि नहीं ये बताओ? हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना है आयशा? लेकिन अच्छा है, बहुत ढेर सारा। शॉपिंग वगैरह सब कुछ हो चुका और उसके बाद हम लोग आ गए थे खाने पीने के स्टॉल्स पे। तो पहले हम लोग आ गए थे पानी पूरी के स्टॉल्स पे और यहाँ पे हम लोगों ने पानी पूरी खाई थी। और यहाँ की पानी पूरी क्या पानी पूरी थी, मतलब इतनी टेस्टी पानी पूरी थी। और इनकी पानी पूरी का पूरी का जो कलर था वो चेंज था, कोई ब्राउन था कोई ग्रीन था, तो बहुत ही गजब पानी पूरी थी। तो हमने पहले यहाँ से पानी पूरी खाई थी। इस
वाले पार्ट को आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा, मतलब बाहर से लिखा हुआ था हसीघर और हम लोगों ने सोचा कि ये मिरर वाला होगा कि अंदर से जो मिरर खुलता नहीं और ढेर सारे मिरर लगे होते हैं, लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद कुछ और ही सीन था। और ये देखिए हम लोग का रिएक्शन, मतलब इतनी गुस्सा आ रही थी यहाँ पे कि क्या पैसा आप लोग वेस्ट और पैसा मतलब कैसे आप लोग निकलवा रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं था और 20-20 रुपए का टिकट दे रहे थे। और ये देखिए इस पे मैंने वॉइस, हम सबकी इस पे वॉइस थी लेकिन मुझे सॉन्ग बज रहा था पीछे, इसलिए वो साउंड ऑफ करना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, वरना मैंने जाते जाते भैया से बोला भी कि आप लोग क्या ये कर रहे हो, मतलब अंदर कुछ है ही नहीं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इतनी गुस्सा आ रही थी यहाँ पे आने के बावजूद, शीशे में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था क्या है, बस टेढ़ी मेढ़ी फ़ोटो आ रही थी हम लोगों की। और जो भी लोग अंदर आ रहे थे सभी कह रहे थे कि ये क्या है यार, मतलब हम लोग तो कुछ और सोच के आए और अंदर आने के बाद कुछ और निकला। बहुत गुस्सा आ रही थी, मुश्किल से 2 मिनट भी यहाँ पे नहीं थे और हम लोग बाहर निकले। हम आ गए वेज मोमोज खाने। उसके बाद हम लोग झूले के सेक्शन में आ गए थे क्योंकि इन लोगों को झूला झूलना था, मैं तो झूलती नहीं हूँ, इन लोगों को झूला झूलना था। ये हो रहा था कि पहले झूला झूल लेते हैं और उसके बाद फिर सारी शॉपिंग करते हैं, तो फिर हम लोग झूले के सेक्शन में आ गए थे। और यहाँ पे एक नई चीज़ ये थी कि पानी वाली बोट थी यहाँ पे और इसे देख कर बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग लारैब से कह रहे थे कि जाओ जाओ, लेकिन ये कह रहा था हटो मैं बच्चा हूँ क्या, मैं नहीं जाऊँगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ थी, भूत महल था, उसका मैंने साउंड ऑफ कर दिया है क्योंकि उसके भी कॉपीराइट आ जाता। और मतलब उसकी क्या भयंकर साउंड निकल रही थी ये देखिए, मतलब इतनी भयंकर साउंड निकल रही थी कि मुझे साउंड से ही डर लग रहा था। और ये रहा डिज्नी वर्ल्ड, जिसकी वजह से दुबई कार्निवल कुछ ज़्यादा ही फेमस है, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं गए थे क्योंकि मतलब कुछ था ही नहीं अंदर, कोई नहीं जा रहा था और बाहर से दिख रहा था, जो पर्दा लगाया हुआ था वहाँ से दिख रहा था और फिर नहीं गए थे। और यहाँ पे भी आपको जाने के लिए टिकट लेना पड़ रहा था और फिर इसमें कुछ था ही नहीं, तो हम सब इसमें नहीं गए थे। कोई वेस्ट अब नहीं करना है, हंसी घर में देख लिया है। ये देखिए ये लोग जा रहे हैं झूला झूलने के लिए, आयशा लाइवा ला रहे हैं, झूला झूलने के लिए जा रहे थे और हम और आंटी यहाँ पे बैठे हुए थे, हम लोग नहीं जा रहे थे। मैं तो झूला झूलती भी नहीं हूँ और आंटी भी नहीं झूल रही थी, तो फिर मुझे तो देख के ही डर लग रहा था। और इन लोगों को सबसे बड़ा वाला झूला झूलना था, फिर आयशा ने ऊपर से रिकॉर्डिंग कर ली थी, ऊपर से शूट किया हुआ था, तो मैं ये क्लिप ऐड कर रही हूँ।
फिर आ गए हम सब फिर से खाना खाने के लिए गुप्ता जी कॉर्नर। तो यहाँ पे हम सब आ गए हैं आराम से बैठ के, कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। तो हम सब यहाँ पे बैठ गए हैं और देख रहे हैं खाना पीना घूमना फिरना शॉपिंग वगैरह सब कुछ हो चुका था। तो फिर उसके बाद 10 बज चुके थे और काफ़ी लेट भी हो चुका था और सारी चीज़ें घूम भी चुके थे। तो फिर हम निकल गए थे, हम लोग निकल गए थे घर के लिए। एंट्री एग्ज़िट हम लोगों ने ले ली है, अब देखते हैं कि बाहर भी कुछ खाना पीना है या सीधे घर चलना है। वैसे तो ज़रूर ही खाना पीना होगा क्योंकि सबका प्लान हो रहा है खाने पीने का, आइसक्रीम वगैरह। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या कर। चलो हो गया दुबई मॉल, दुबई का मॉल बाबा, बार बार मॉल बोलते। क्या हुआ क्या हुआ यार, उस पे झूलना था यार। किस पे? एकदम नहीं दिला सकते किस पे? आप नहीं बोला था ना बिना बाहर खाए घर जा ही नहीं सकते हैं। तो हम सब आ गए थे पानी पूरी खाने के लिए और आइसक्रीम खाने के लिए। भैया म्यूजिक आ जाओ आ जाओ। फिर हम सब निकल गए हैं घर के लिए और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया है। इस बार इसलिए मज़ा आया है क्योंकि हम सब ने शॉपिंग की है खूब सारी। उस बार शॉपिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हम सब निकल गए हैं घर के लिए। और आपको कैसा व्लॉग मेरा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड लेती हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।